सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। महोदय, इस सदन में जब हम चर्चा करते हैं तो हम चर्चा इस बात के लिए नहीं करते कि हम इतिहास में किसी शख्सियत की स्थिति को कमजोर करना चाहते हैं। हम बड़ी स्पष्टता के साथ ये कहना चाहते हैं कि भारत जिस परिस्थितियों से निर्मित हुआ, आने वाले समय में जो भारत हम बनाना चाहते हैं, उस भारत को बनाने में अगर कोई गलतियां हुई हैं तो उसको सुधारने का काम करना चाहिए। और मैं यहां यह कहना चाहूंगा, आज आनंद शर्मा जी नहीं है, जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ था आनंद शर्मा जी ने एक इतिहास का तथ्य रखा था, और मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो इतिहास का तथ्य रखा था वो एक दुर्भावनापूर्ण तरीके से गलत इतिहास का तथ्य रखा था। उन्होंने हमारी पार्टी के लिए कहा था कि बंगाल में हमारी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे तो मुस्लिम लीग से समझौता था। मैं कहना चाहूंगा, आनंद शर्मा जी, आप इस सदन के रिकॉर्ड को ठीक करिए, बंगाल में जो समझौता हुआ था वो फजलुर हक की पार्टी के साथ था, जो कृषक समाज पार्टी थी, और उस समय कांग्रेस के नलिनी रंजन सरकार ने अंग्रेजों के इशारे पर मुस्लिम लीग और कृषक समाज पार्टी की सरकार बनवाई। बंगाल में पहला म्यूनिसिपलिटी का जो कम्युनल बिल था वो लाया गया था, कांग्रेस उस समय भी चुप थी, उसका विरोध करने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। इतिहास के तथ्यों को कम से कम आप सही तरीके से तो रखें, और इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, उनको श्रद्धांजलि देते हुए देश के बहुत सारे महापुरुषों ने उनके बारे में कहा, हमने उनके जीवन से प्रेरणा पाई है, और हमारी पार्टी जिस राष्ट्रवाद के मिशन को लेकर आगे बढ़ी है, हमारी पार्टी इस बात का नमन करती है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी पूर्वज पार्टी जनसंघ के संस्थापक ने राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता के लिए अपना बलिदान दिया, हम उस परंपरा से आगे बढ़ने वाले लोग। और इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब धारा 370 का विरोध किया, उनके जीवन के बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, और मैं उसी बात से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व के बारे में भी यहां सदन में कहना चाहूंगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने श्यामा प्रसाद जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा था, अपने सार्वजनिक जीवन में वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को और अपनी अंदरूनी प्रतिबद्धताओं को व्यक्त करने से कभी डरते नहीं थे। खामोशी से कठोरतम झूठ बोले जाते हैं, जब बड़ी गलतियां की जाती है तब इस उम्मीद में चुप रहना अपराध है कि एक ना एक दिन कोई सच बोलेगा, ये करने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और इसलिए आज आप वो खामोशी में कही गई सारी बातों को केवल ये दबाना चाहते हैं, आप ये केवल दबाना, वो मुस्लिम लीग के लीडर नहीं थे, सुहारवर्ती उस समय मुस्लिम लीग के लीडर थे, आप तथ्यों को पहले देख लीजिए, वो कृषक समाज। सर बोलो, मेरी गैर मौजूदगी में मैंने सुना भूपेंद्र यादव जी ने मेरा नाम लिया था। सदन के नियम कहते हैं अगर किसी सदस्य का नाम लिया जाए उसको अधिकार है अपनी बात बताने का, जो मैंने कहा था वो ऐतिहासिक सत्य है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो प्रस्ताव पारित करा था मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने उसका विरोध करने का, सूबों में कांग्रेस की सरकारें हट गई थी, दो सूबों के अंदर बंगाल और पंजाब में अल्टरनेट गवर्नमेंट बनाने का, वैकल्पिक सरकार बनाने का आश्वासन वाइसरॉय को दिया था लिखित में, वो सारे कागज मौजूद हैं। और बंगाल में जो सरकार बनी थी उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे और फजलुर रहमान मुख्यमंत्री थे। इन्होंने और उसके साथ, मेरे को याददाश्त से कह रहा हूं, बंगाल के गवर्नर लिनलिथगो थे, उनको पत्र लिखकर कहा था कि ये वाइसरॉय
कि उसको कुचल दिया जाए भारत छोड़ो आंदोलन को, क्योंकि ये बगावत है हर मेजेस्टी की सरकार के खिलाफ। मैं सभा पटल में बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, मैं सारे वो पत्र रख दूंगा, आज अगर मैं कह रहा हूं मैं कल राखी रख। धन्यवाद धन्यवाद आनंद शर्मा जी, सब चीजें याददाश्त में नहीं होती, उम्र के साथ याददाश्त कम हो जाती है, तथ्य मेरी, मैं आपको कह रहा हूं आप सदन पटल में रख दीजिए। मैं आपको स्पष्टता के साथ अब भी कह रहा हूं कि फजलुल हक जो थे वो कृषक समाज पार्टी के थे, और सोहरावर्दी बंधु जो थे वो मुस्लिम लीग के थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के चुंगल से बंगाल को मुक्त कराने का काम किया था, लेकिन जब बंगाल में म्युनिसिपैलिटी का बिल आया था और पृथक निर्वाचन आया था तो कांग्रेस अपनी इतिहास में अपनी जिम्मेदारी से भागी थी, और आज और अपनी जिम्मेदारी को आपने विरोध नहीं किया, आपने विरोध बैंड ऑर्गेनाइजेशन, और यही कांग्रेस की लीडरशिप जेल में थी, और आप लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आप सरकारें बनाई थी, सच्चाई है इतिहास की। आनंद जी बैठ जाइए, आपकी बात आप बोले। आप आनंद जी तर्क और वितर्क करने में नहीं, पर मैं आप सत्य बता रहा हूं, मैं आपको आप बताएं कि लिखी गई थी। माननीय आनंद जी आपने अपनी बात कह दी है, आपने कह दी अपनी बात। इस्तेमाल किए थे, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, बात कह दी है अपने बात के। भूपेन जी आप आनंद जी, भूपेन जी आप बोले। आनंद जी आवेश में आने से आवेश। सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले।